हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे करके लोगों के माइंड में ये फीड होने लगा थर्ड स्टेट स्पेशली कि किंग गलत कर रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसकी पावर को लिमिट करना पड़ेगा। इसको लेकर एक मीटिंग होती है वर्सेलिस में, जहाँ पे मिरेबियू एंड एबिशियस दो पर्सन जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोगों को ये इंकरेज करते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाओ, वे 16 के खिलाफ आवाज उठाओ और उससे बोले कि जो ये प्रिविलेजेस है ना, जो आपने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ऊपर रखा था, थर्ड स्टेट को नीचे, वो खत्म करेगा पूरी तरीके से, ऐसा बोला गया। तो इसको लेकर अब होता क्या है, एक डेट आती है आपकी, डेट तो बताऊंगा। अच्छा चल गया है कि पहले मैंने आपको एक बात क्लियर की थी सक्सेशन क्राइसिस पार्ट फर्स्ट में, प्राइसेस ऑफ फूड में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे इस समय में फ्रांस में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ, रेवोल्यूशन तब भी होता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। आपने किसी को कुछ छोटा बच्चा नहीं किया, आपने थप्पड़ मार दिया उसको, रेवोल्यूशन आपको राजा के खिलाफ करना है। राजा के पास आर्मी होती है, किंग है, वो पैसा है, सब कुछ है उसके पास, वो आपको दो मिनट में दबा भी सकता है। तो रेवोल्यूशन करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। सेकेंड थिंग, प्लानिंग के अलावा रीजन चाहिए, कारण चाहिए बहुत सारे कि गुस्सा फूटे अंदर से। तो गुस्सों की तो गुस्सा फूटने की तो क्या है, कारण बहुत सारी झड़ी लगी हुई है। पहला महंगाई बढ़ रही है, लोगों को थर्ड स्टेट का खाने को पैसा नहीं है, जो स्टेट टैक्स मांगता जाता है, वो मीटिंग में जाते हैं तो पीछे खड़ा कर देता है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट बैठने की जगह मिलती है, वो वोटिंग के राइट्स मांगते हैं, वोटिंग के राइट्स नहीं मिलते, महंगाई बढ़ती जा रही है ना। और दूसरा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का भी सपोर्ट मिल रहा है थर्ड वालों को, है ना, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस समय में क्या हुआ, एक जगह है आपकी बेस्टिले, ये वर्सेलिस बेस्टिले आपको याद रखना है ना, वर्सेलिस में तो मीटिंग हुई थी थर्ड स्टेट की, अभी बेस्टिले का याद रखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अनाज की कमी है ना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स है फ्रांस के लोगों को मिलता है खाने के लिए, उसकी शॉर्टेज है ना, उसकी शॉर्टेज है, वो कम पड़ता जा रहा है। जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो राइस जरूरी चलता है, राइस वीट डाले जो यहाँ पे आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करता है, उसको लेने के लिए फ्रांस का एक बार शॉप पे जाता है तो उसे मिलता ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे उसकी शॉर्टेज है तो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लेकर एंग्री क्राउड है ना सड़कों पे आ गया, खासकर थर्ड स्टेट, वो कहते हैं कि 100% टैक्स लेते हो है ना, और हमें फूड ग्रेन देने की बात आती है तो हमें हमारा पेट भी नहीं भर पा रहा फ्रांस में रहने के बाद, वो लोग ये आवाज करते हैं। तो डेट आती है 14 जुलाई 1789 को एक एंग्री क्राउड उसकी डोमिनेटिंग पावर है, उसके महल, उसके फोर्ट्स है ना, उसके ऑफिस, उसके लोग सब वहीं पे रहते, दरबारी है उसके सामने। मैं किंग सिर्फ ले रहा हूँ, उसकी डोमिनेटिंग पावर भी ले रहा हूँ, यानी कि सारी जो उसकी पावर है ना वो वहीं पर शो होती है बेस्टिले में। जैसे कैपिटल होती आज कैपिटल है सबसे इंपॉर्टेंट सिटी इंडिया की, दिल्ली, ऐसे ही बेस्टिले क्या है, ऐसी जगह है किंग खुद तो रहता ही है, उसके सब ऑफिस में सारा ट्रेजर, उसका दरबार सब वहीं पर सजा हुआ है ना, तो किंग और उसकी डोमिनेटिंग पावर शो करता है बेस्टिले। लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, एंग्री क्राउड वहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, और वहाँ पे बेस्टिले फ्रेंच वहाँ पे क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स को बंद कर देते हैं, मतलब एक तरह से अब वायलेंस चालू हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके वायलेंस करते हैं, डॉक्यूमेंट बंद करते हैं और जितना भी ग्रेन्स है ना जो किंग ने इन्वेंट किया है सारा ग्रेन्स एक फार्मर से लेके डायरेक्ट थर्ड स्टेट वालों से लेके अपने स्टोरेज हाउसेज में रखा हुआ है, उस ग्रेन्स को लूट लेते हैं। बुक में वर्ड है ग्रेन्स लूटेड, लूटेड को लूटने वाला लूटेड ही है, ठीक है ना, उसके लिए वर्ड है लूटेड, लूटेड मतलब कि वो ग्रेन्स को जाके लूट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जला के राख कर देते हैं और धीरे धीरे करके किंग के गार्ड को भी मार देते हैं, है ना, एक चीज तो यही से किंग के गार्ड्स को मारते हैं और किंग के गार्ड्स को मारने के बाद नंबर किसका आएगा, किंग का आएगा, लुई 16 का, लुई 16 का नंबर आया है। इससे पहले ही लुई 16 तो खैर नहीं, वो तो वहीं रहता है महल में छुपकर, बहुत सारे नोबल्स थे ना तो वहां पे उसके दरबारी थे, वो शहरों में बहुत ज्यादा बेस्टिले को छोड़ के, क्यों, क्योंकि भीड़ आ गई, रेवोल्यूशन चालू हो गया।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पीपल की जो पावर होती है, भीड़ की जो पावर होती है, वो क्या कुछ कर सकती है ना। महंगाई बढ़ी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, टैक्स लेते जा रहे हैं, फूड ग्रेन्स ही नहीं मिल रहे टाइम टू टाइम, है ना। तो थर्ड स्टेट गवर्नमेंट क्या करा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में किंग है, उसके सारे नोबल्स रहते हैं, वहां पे अटैक किया, डॉक्यूमेंट जला दिए, ग्रेन्स लूट लिया, तोड़फोड़ की, वायलेंस किया। तो जितने भी किंग से जुड़े हुए मेंबर्स थे वो वहां से उसको छोड़कर चले गए, है ना। ऑस्ट्रेलिया डर गए कि हमारी जान पे भी बना गई है, ये हमें मार भी सकते हैं। और राजा भी समझ गया था, है ना, लुई 16 को लग गया था कि लोग अब क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन पे उतारू हो चुके हैं और शायद मेरी जान बचाने बहुत मुश्किल हो गया। लुई 16 ने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको यूजफुल है ना, आपको ये पढ़ना है। अब लुई 16 ने क्या करा, ये सब देखते हुए समझदारी दी, चाहिए और आपकी पावर लिमिटेड चाहिए, आपकी पावर अनलिमिटेड नहीं होगी, इक्वलिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्रांस में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब लुई 16 डर के मारे अब थर्ड स्टेट वालों की मांगे मानने लग जाएगा, है ना। और आपको क्या चाहिए, एंड करें सब प्रिविलेजेस का, कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट मैंने बांटा हुआ है ना, कि आप लोग टैक्स भर रहे हो, लोग नहीं भरते, कि ये चीज गलत है, मैं मानता हूं उसको खत्म कर देते हैं। और एक टेस्ट का नाम है ना, आपको बता रहा पार्ट 15 जो पीजेंट से लिया जाता था, तो बोला अरे पीजेंट थोड़ी टैक्स नहीं है, तो अन्न जाता है हम, है ना, वो तो हमें अनाज दे रहे हैं, हम उसे टैक्स देते हैं, टिथ को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक को कैसे इसने ना मतलब एक तरह से अपने काबू में पा लिया, कि ऑस्ट्रेलिया में जो रेवोल्यूशन हुआ उसको, क्योंकि डर तो गया ही था, तो उसको छुपाने के लिए इसने ये सब करा, है ना। चर्च वगैरह से बोला गया फर्स्ट स्टेट वालों से कि अब आपको भी जो लैंड आपको इन गवर्नमेंट की जमीनें हैं जिसपे आपने चर्च को रखे हैं, आप यूज कर रहे हैं फ्री में, उसको आप एबोलिश करो, है ना, अब वो आपके नहीं रहेंगे। अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इक्वलिटी आएगी, एंड ओके सब प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब जो आपको फायदे दिए जा रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को, उसको हम एंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और टिथ और कुछ और जो टैक्स थर्ड स्टेट से लिया जाते हैं सिर्फ, वो सब बैन कर देंगे, अब इक्वलिटी फ्रांस में आएगी। लुई 16 बड़ी चालाकी से ये बात लोगों से बोलता है, ठीक है। तो ये चीज है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा नहीं, इसने यहां पे 1789 में नेशनल असेंबली बनाने की परमिशन दी है, नेशनल असेंबली बनाने की परमिशन इसने दे दी है। ये नेशनल असेंबली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दी, दो साल लगेंगे, 1789 की बात है, 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791, ठीक है। इस ड्राफ्ट में मेन बात क्या की गई थी, आप यहां पे बताऊं, इस ड्राफ्ट में वही बात की गई थी जो थर्ड स्टेट के लोग मांग रहे थे, लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग, लिमिट द पावर, किंग की पावर को लिमिट करो, उसको कम करो, ये इस थर्ड स्टेट में बात, सॉरी इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही, है ना। तो 1791 में खुशियां मनेगी फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या है, अब वहां राजा भी होगा और उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, अब राजा की पावर अनलिमिटेड नहीं है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट सब बराबर होंगे, टैक्स सबको भरना पड़ेगा, थर्ड स्टेट वालों के लिए भी चेयर्स लगेंगे, वो पीछे खड़े नहीं होंगे, है ना। देखिए हर छोटी छोटी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि ये अभी हमें लग रहा है कि खड़े तो ना करो बस, है फर्स्ट स्टेट में मीटिंग में आगे बैठा, सेकंड स्टेट बैठा, थर्ड स्टेट वाले पीछे खड़े हैं, टैक्स वही भर रहे हैं, फूड ग्रेन मिल नहीं रहा उनको, तो रेवोल्यूशन करा उन्होंने। तो ये छोटी छोटी बातें जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगी, क्या सबके लिए इक्वलिटी होगी, सारे प्रिविलेजेस बंद होंगे, ये टिथ नाम का टैक्स हम बंद कर रहे हैं, तो लोग बड़े खुश हुए कि 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी है। देखिए इतना आसान नहीं है, है ना, लुई 16 ने चला राजा है। अब देखिए वो आगे क्या करेगा, पार्ट नंबर 4 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।